आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi guys, the question is if matrix 5, 4, 1, 1 into x is equals to matrix 1 minus 2, 1, 3, then x is equals to. तो हमें एक equation given है, इसमें हमें x find out करना है. तो let x is equals to matrix A, B, C and D. ये 2 cross 2 matrix हमने ली. ये हमने 2 cross 2 matrix ही क्यों ली? क्योंकि इधर जो हमारे पास matrix है, उसका order है 2 cross 2, क्योंकि इसमें 2 rows and 2 column है. एंड जो हमारे पास आंसर में जो मैट्रिक्स आ रही है उसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम है. अब ऐसा तभी पॉसिबल है तब जो x हो वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को एंड x मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हो एंड दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज के एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के. सो x जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स 5 4 1 1 एंड मैट्रिक्स A B C D इक्वल है 1 माइनस 2 1 एंड 3 के. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो आ जाएगा 5A प्लस 4c. देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो होगा वो आएगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाएगा 5b प्लस 4d. ऐसे हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a प्लस c. एंड ऐसे ही सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b प्लस d. एंड इक्वल गिवन है हमें मैट्रिक्स 1 माइनस 2 1 3 के. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो उधर से हमारे पास 5a प्लस 4c इक्वल आ जाएगा 1k. इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं एंड 5b प्लस 4d इक्वल आ जाएगा माइनस 2k. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. ऐसे ही a प्लस c इक्वल आ जाएगा 1k एंड b प्लस d इक्वल आ जाएगा 3k. तो इधर से c इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस a एंड इधर से d इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस b. अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 5a प्लस 4c की जगह पे 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 1. तो इधर से आ जाएगा 5a प्लस 4 माइनस 4a इज इक्वल्स टू 1. तो इधर से a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज a इज इक्वल्स टू माइनस 3. सिमिलरली को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 5b प्लस 4d की जगह पे 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2. इसको सॉल्व करेंगे तो 5b प्लस 4 12 माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो इधर से b इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 2 माइनस 12 दैट इज b इज इक्वल्स टू माइनस 14. अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई तो अब हम c की और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो c इज इक्वल्स टू है हमारे पास 1 माइनस a, तो 1 माइनस a है हमारे पास माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3. तो इधर से हमारे पास c इज इक्वल्स टू आ गया 4. ऐसे d इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3 माइनस b, तो d इज इक्वल्स टू 3 माइनस b की वैल्यू है माइनस 14. तो d इज इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस 14 दैट इज 17. तो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड x को हमने माना था मैट्रिक्स a b c d. तो हमारे पास x मैट्रिक्स आ गई मैट्रिक्स माइनस 3 माइनस 14 4 एंड 17 दैट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ये हमें फाइंड आउट करना था सो दैट इज आवर आंसर. ओके थैंक यू गाइस. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.